रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कृतिका एक बहुत ही ज्यादा सुंदर और शांत स्वभाव की लड़की थी, पर कृतिका के बाल उससे भी ज्यादा सुंदर और बहुत ही ज्यादा लंबे घने थे। हालांकि कृतिका को अपने बालों से बहुत प्यार था, पर उसके बाल काफी लंबे और घने थे जिससे वो उन्हें संभाल नहीं पाती थी और उसके बालों के सेवा उसकी माँ कमलेश किया करती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ घर पर नहीं होती और कृतिका को कॉलेज जाने में लेट हो रहा होता है, तो वो अपने बालों को बनाने की बहुत कोशिश करती है पर उससे नहीं बन पाते और वो गुस्से में खुद से बोलती है, इन बालों को बनाते बनाते मेरे हाथों में दर्द होने लगा है, बहुत हो गया, अब जैसे है वैसे ही चल, वैसे भी तो बहुत लेट हो गई है, ऊपर से माँ का भी कुछ पता नहीं है, पता नहीं कब तक आएंगी। अरे क्या हो गया, क्यों अपने निर्दोष बालों पर गुस्सा निकाल रही है, आ गई मैं, ला बना दो तेरे बाल। आ गई आप, आपको पता है ना मुझे कॉलेज के लिए कितना लेट हो रहा है, ऊपर से ये बाल, मैं परेशान हो जाती हूँ माँ इन्हें संभाल संभाल कर। कब तक मैं तेरे बालों को संभालती रहूँगी, शादी के बाद कौन संभालेगा, हाँ कुछ तो सीख ले। कमलेश जल्दी जल्दी उसके बालों को रफली हेयर बन बनाकर उसमें नोड लगा देती है और कृतिका जल्दी से अपना बैग लेकर कॉलेज के लिए निकल जाती है, जहां हर्षित नाम का एक लड़का उसके बालों का नोड निकाल देता है और कृतिका के सारे बाल खुल जाते हैं। बालों की क्वीन, अपने इन सिल्की लंबे घने बालों को खोला ना रखा करो, यहाँ बहुत मन चले हैं जो तुम्हारे आगे पीछे बस तुम्हारे इन अट्रैक्टिव बालों की वजह से घूमते हैं। ओह रियली? और तुम क्यों मेरे आगे पीछे कुत्ते की तरह पूंछ हिलाते घूम रहे हो, क्या तुम भी उन मनचलों में से एक हो? मैं तो तुम्हारा आशिक हूँ, पर मैडम है कि भाव देती ही नहीं, अब दीवाना करे तो क्या करे। तुम्हें अपनी चापलूसी ना अपने पास ही रखो। कृतिका गुस्से में अपने बालों में नॉर्मल हेयर बैंड लगाकर वहाँ से चली जाती है और उसकी दोस्त विशाखा उससे बोलती है, क्या कृतिका वो सच में तुझसे प्यार करता है, और तू है कि जब देखो भाव खाती रहती है, बेचारा कितना शरीफ है वो। शरीफ? और वो, अरे किस एंगल से? हेलो मैडम जी, मुझे वो इंसान पसंद नहीं है, तुझे दिखाई नहीं देता क्या, वो रोज रोज मेरे बाल खोलकर मुझे कितना परेशान कर देता है, मैं तो भगवान जी से रोज दुआ करती हूँ कि वो इस कॉलेज से ही चला जाए। थोड़ी देर बाद दोनों अपने घर चली जाती हैं और अगले दिन फिर से कॉलेज आती हैं, जहाँ हर्षित कृतिका को कहीं भी दिखाई नहीं देता, जिससे वो उसे मिस करती है कि किस तरह वो रोज रोज उसके बालों को खोल दिया करता था, और उसके दोस्त नवीन से पूछती है, आज तुम्हारा वो सो कॉल्ड दोस्त नहीं आया? हाँ उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर कृतिका थोड़ी टेंशन में आ जाती है, जिस पर विशाखा उसके सामने गाना गाते हुए बोलती है, और तुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ, क्यों मैडम आप भी हर्षित को मन ही मन पसंद करती हो ना? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वो तो आज बस थोड़ी शांति थी तो इसीलिए पूछ लिया दोस्त होने के नाते। दोस्त के नाते? कृतिका पूरे दिन बस उसी के बारे में सोचती रहती है और कॉलेज खत्म होने के बाद घर आ जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके लिए एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया है और कल लड़के वाले उसे देखने आ रहे हैं। ये सुनते ही वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और अगले दिन लता अपने बेटे का रिश्ता लेकर कृतिका को देखने उनके घर आती है। जैसे ही कृतिका उसके सामने जाती है, वो हर्षित को देखती है और मन ही मन बहुत खुश और साथ में हैरान भी हो जाती है, पर कृतिका के घने और लंबे बाल देखकर लता बोलती है, ये असली बाल हैं, जरा छू कर देखूं। अरे ये तो असली बाल हैं, इसे खुले बालों में देखकर लग रहा है साक्षात लक्ष्मी माता खड़ी है मेरे सामने। जी हमें रिश्ता मंजूर है, अब बेटा आप दोनों अंदर जाकर बातें कर लो, जब तक हम लोग भी थोड़ी कुछ बातें कर लेते हैं। दोनों साइड में जाकर एक दूसरे से बात करते हैं तो हर्षित उससे बोलता है, देखा भगवान भी यही चाहते थे कि तुम सिर्फ मेरी बनो, और बहुत याद आ रही थी ना तुम्हें मेरी। ऐसे ही कुछ दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है
और शादी के बाद कृतिका अपनी बहू की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है। पर उसकी ननद अंकिता के बहुत कम बाल होते हैं और वो अपनी भाभी के बालों से चिढ़ने लगती है, जिस पर कुछ ही दिनों बाद उसकी सास और ननद उसको सताने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक दिन कृतिका अंकिता के सामने अपने बाल बना रही होती है, जिस पर अंकिता बोलती है, माँ देखो कैसे भाभी मुझे अपने बाल दिखा दिखा कर जला रही है। क्यों रे करम जली, तेरे लंबे लंबे बाल हैं तो तू मेरी बेटी का मजाक बनाएगी। पर माँ जी मैंने कुछ नहीं किया। तो नास पीटी तू कहना क्या चाहती है, मेरी बेटी झूठ बोल रही है क्या? बेचारी कृतिका कुछ नहीं बोलती और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो अपने बालों को बांधने की बहुत कोशिश करती है पर नहीं बांध पाती। और एक दिन जब कृतिका सो रही होती है तो अंकिता उसके बाल काट देती है। और जब कृतिका अपने छोटे कटे हुए बालों को देखती है तो वो बहुत रोती है और उसे ऐसा रोता हुआ देखकर हर्षित समझ जाता है कि ये सब कुछ उसकी बहन का ही किया हुआ है, तो वो उसे डांटना शुरू कर देता है, जिस पर लता उसे बोलती है, देखो तो जरा बीवी का चमचा कैसे बोले जा रहा है। अरे तेरी बीवी करमजली से बाल तो संभलते नहीं होंगे, इसने खुद ही काट लिया होगा अपना लंबा बाल और अब रो रो के मासूम बनने की कोशिश कर रही है। और मान लिया इसके लंबे लंबे बाल हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी बेटी ने इसके बाल काटे होंगे। माँ आज आपके लाड़ प्यार की वजह से अंकिता बिगड़ रही है, आप मानो या न मानो पर ये इसी का किया है। जरूर तेरी उस नास पीटी बीवी नहीं तेरे कान भरे होंगे, जबी तू यहाँ आके कलमुहा मुँह चला रहा है। क्यों री करमजली, क्या खिलाया पिलाया है तूने मेरे बेटे को जो तेरा जोरू का गुलाम बन चुका है? आप रहने दीजिए हर्षित जी, अब जो होना था वो हो गया, अब किसी के भी बोलने से मेरे बाल थोड़ी ना वापस आ जाएंगे। कृतिका अंकिता को हर्षित के गुस्से से बचा लेती है, जिसे देखकर अंकिता को अपनी गलतियों का अफसोस होता है और वो सब सच्चाई बताकर अपनी भाभी से माफी मांगती है। माँ भैया भाभी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मैंने ही किया, भैया आपका शक बिल्कुल सही था। अरे तुझे शर्म नहीं आई क्या, यही संस्कार दिए हैं क्या मैंने तुझे? अरे भाभी है वो तेरी और इस घर की बहू, अरे अपनों से भी कोई जलता है क्या? बहू मुझे माफ करना, मैं अपनी बेटी की तरफ से तुझसे माफी मांगती हूँ। नहीं माँ जी आप माफी मांगकर मुझे छोटा मत कीजिए, आप मेरी माँ समान है और अंकिता मेरी बहन जैसी है, आप दोनों मुझसे ऐसे माफी मांगेंगे तो मैं तो अपनी नजरों में खुद ही गिर जाऊंगी। कृतिका सारी बातों को भूलकर अपनी सास और ननंद को माफ कर देती है, जिसके बाद उसकी सास और ननंद उसके बालों की देखभाल करती हैं, बिल्कुल उसकी माँ कमलेश की तरह, जिससे कुछ ही महीनों में कृतिका के बाल पहले की तरह ही लंबे और घने हो जाते हैं और घर में भी सब कुछ बिल्कुल ठीक होता है। और साथ ही तीनों ननंद भाभी और सास एक दूसरे के साथ में खुशी खुशी रहने लगती हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।